हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्लास 9 मैथ की एनसीईआरटी बुक का। तो सबसे पहली बात, हमारा चैप्टर जो है पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल आपका होता क्या है? इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि पॉलीनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स, जिसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। जो आपका पॉलीनोमियल्स होते हैं, वन वेरिएबल में हो सकता है, टू वेरिएबल में हो सकता है, थ्री वेरिएबल्स में हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, उसके अलावा इसमें इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही जो है आपको कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ क्वेश्चन करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पॉलीनोमियल है जो कि एक ही वेरिएबल का एक्सप्रेशन है और कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे पहली बात, कोई भी आप एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशंस को देख रहे हो, तो 4x² - 3x + 7, तो आप क्या देखोगे उसमें? एल्जेब्रिक टर्म्स, कि इसमें कौन कौन से एल्जेब्रिक टर्म्स यूज़ किए इस पूरे इक्वेशन में। यहाँ पर x यूज़ किया, यहाँ पर x² यूज़ किया है, मतलब कि सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्होंने यूज़ किया है। तो इसमें आप क्या कहोगे कि जब आपका सेम ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इन लोग यूज़ करें, हालांकि पावर डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर पावर है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो वन पावर है, बट स्टिल ये पॉलीनोमियल आपका क्या होगा, एक ये दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो पॉलीनोमियल है वो एक ही वेरिएबल में चल रहा है। उसी तरीके से अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखो तो y² + √2 है। अब रूट टू क्या, ये तो आपका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ऐड हुआ है नहीं, तो ले देखिए इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन आया, वो क्या आया, y का, चाहे उस पर पावर स्क्वायर का है, बट स्टिल ये भी आपका क्या है, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड में, 3√t + t√2। अब देखिए इस रूट टू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टी के पावर, इस अगर हम इस टी को ऐसे भी लिख सकते हैं रूट टू आगे करके रूट टू टी, तो ये टी आपका क्या है, टी के ऊपर वन पावर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 3√2, तो ये जो आप रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2। बट इस बात को आपको याद रखना है कि कोई भी पॉलीनोमियल होता है तो उसके ऊपर, जैसे आपका कोई भी एल्जेब्रिक टर्म्स है तो उसके ऊपर पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको, हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटिव तक हो सकता है, माइनस में वैल्यू नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं हो सकते। तो इस वजह से हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या कहेंगे कि ये पॉलीनोमियल का फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको एक पूरा एक्सप्लेनेशन करके पूछेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि इसमें एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल टी इन द टर्म्स ऑफ 3√2 इज 1/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सपोनेंट क्या हो गया है टी वेरिएबल का, 1/2 हो गया, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि इस एक्सप्रेशन में कि ये एक पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, y + 2/y लिखा है। अब वाई को आप वाई लिख लो, प्लस का टू। आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब भी आपका कोई भी पावर डिनोमिनेटर में और आप न्यूमिनेटर में लेकर चले जाओगे तो उसके ऊपर जो है पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ऊपर से लेकर नीचे आना चाहते हो तो वो माइनस में हो जाता है। तो अगर इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस टू और वाई की पावर क्या हो जाएगा, -1। बट अभी हमने क्या सीखा था कि हमारे पॉलीनोमियल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, पावर होना चाहिए, हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये भी पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए आपको जो सारी चीज़ें क्लियर करके रखना है। फिफ्थ पार्ट है, x² + y² + t। अब इसी क्वेश्चन में देखिए आपके पास कितने एल्जेब्रिक टर्म्स आ गए हैं, एक्स आ गया, वाई आ गया, टी आ गया। तो ये ये एक्सप्रेशन है वो आपका पॉलीनोमियल तो है, लेकिन कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल्स का है, क्योंकि इसमें एक्स, वाई एंड टी तीन एल्जेब्रिक टर्म्स को यूज़ कर लिया गया है। तो ये आपका पॉलीनोमियल है 3 वेरिएबल का, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये भी एक्सप्रेशन जो है वो पॉलीनोमियल नहीं है। किसमें, वन वेरिएबल में तो नहीं है, लेकिन अगर पूछेंगे कि पॉलीनोमियल है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल पॉलीनोमियल है, क्योंकि सबके जो पावर्स हैं, जितने भी एल्जेब्रिक टर्म्स के पावर हैं, वो किसमें, होल नंबर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास फोर पार्ट से क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको कोफिशिएंट बताना है x² का। तो इस पर्टिकुलर चीज में जो आपको x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो x² के आगे में जो भी आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू रहने वाली है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका कोफिशिएंट कहते हैं।
अगर प्लस में हो तो हम सिंपल वैल्यू बता देते हैं कि ये है, लेकिन अगर माइनस में है तो कॉफिशेंट के साथ आपको माइनस को भी डिनोट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, तो हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें कॉफिशेंट निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो सिर्फ आप एक्स स्क्वायर पर ध्यान दोगे। तो एक्स स्क्वायर इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो कॉन्स्टेंट हम क्या मान रहे हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू को मान रहे हैं 1, तो जिस वजह से इसका कॉफिशेंट क्या है 1। सपोज करो कि इस क्वेश्चन में ये प्लस एक्स स्क्वायर ना होकर प्लस 2x स्क्वायर होता, तो इसका कॉफिशेंट क्या हो जाता, 2 हो जाता। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। हमें एक्स स्क्वायर को देखना है, तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, डिजिट कुछ नहीं है, तो आप क्या लोगे अपनी तरफ से 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे पाई बाई 2 है, तो इसका कॉफिशियंट हो जाएगा पाई बाई 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट 2x माइनस 1। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, और जब आपको किसी में एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि इसको इसका मल्टीप्लाई 0 से हुआ होगा, तभी तो नहीं दिख रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की जिसका आपको कोफिशिएंट पूछे और वही टर्म्स आपको उस इक्वेशन में ना दिखे, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब यहाँ पर जो है मोनोमियल बाइनोमियल दोनों चीजों को आपको समझना है। मोनोमियल आपका एक ऐसा हम एग्जाम्पल देंगे एक्सप्रेशन का, जिसमें हम सिंगल सिंगल एक ही टर्म को यूज़ करेंगे। बाइनोमियल नाम से पता चल रहा है इसमें दो टर्म्स को यूज़ करने वाले हैं, और कोई भी इक्वेशन आप लिखते हो और उन्होंने कहा है डिग्री 35, तो इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री आप 35 दिखा सकते हो, लोएस्ट आप से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी हम कोई भी पॉलीनोमियल की डिग्री देखते हैं, तो हमें हमेशा उसकी किसकी बात करते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर की बात करते हैं। उस पॉलीनोमियल में जितने भी वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, उसमें से जो भी हाईएस्ट पावर होगा, हम उसको उसी की डिग्री मानेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था 35, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, एक्स की पावर 35 प्लस सिंपल एक्स लिख दो, जो भी लिख दो, बट पावर 35 से आपको छोटा ही लिखना है। और क्योंकि उन्होंने बाइनोमियल को कहा था, इस वजह से हमने टू टर्म्स को यूज़ किया है। नेक्स्ट कहा था आपको बताना है एक मोनोमियल जिसमें डिग्री 100 होना चाहिए, तो मोनोमियल है तो एक ही टर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, तो एक्स की पावर 100। अब यहाँ पर आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है डिग्री को लेकर। डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलीनोमियल। किसी भी पॉलीनोमियल में जितने भी वेरिएबल हैं, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उस पॉलीनोमियल का, वही डिग्री मानते हैं। और डिग्री निकालने के लिए भी आपके क्वेश्चन आते हैं, हालांकि 1 मार्क्स में ही आते हैं, बट स्टिल आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए और आप उससे ईजिली स्कोर कर सकते हो। वही बात करें, मोनोमियल आपके 1 टर्म्स होते हैं, जबकि बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री को लेकर ही पूछा हुआ है कि आपको बताना है इन पॉलीनोमियल में कितनी, मतलब कौन से इक्वेशन में कितनी उसकी कौन सी डिग्री है। तो 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 7x, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आ गए, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, 3 पावर है। हम हाईएस्ट पावर की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिग्री इस पॉलीनोमियल का क्या हो जाएगा, 3। इस वाले क्वेश्चन में आप खुद जवाब दे पाओगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है पावर हाईएस्ट, तो इसमें डिग्री हो जाएगा 2। 5t माइनस रूट 7 है, तो इस यहाँ पर देखो ये तो नॉर्मल कांस्टेंट है, 5t है, टी के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 पावर है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ पर आपका 3 है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर डिग्री आपका क्या होगा, 0, तो क्योंकि कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट है और शायद से आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्लासिफाई द फॉलोइंग इज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। आपको इन पॉलीनोमियल्स को देखकर बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलीनोमियल है। अब ये भी आप पता तभी कर सकते हो जब आपको किसी भी इक्वेशन में डिग्री पता हो। अगर हाइएस्ट डिग्री, आप ये देखो कोई भी इक्वेशन में अगर हाइएस्ट डिग्री उसकी 3 आ रही है, तो उसका वो पॉलीनोमियल कैसा हो जाएगा, आपका क्यूबिक हो जाएगा। अगर उसकी हाइएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। अब इस क्वेश्चन को आई होप कि आप खुद जवाब दे पाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक हो गया। यहाँ आपका 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर देखिए 1 प्लस में एक्स है, अब x के ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है, तो ये आपका इक्वेशन लीनियर हो गया। 3t है तो आपका ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ x और y ही होगा, पूरे एबीसीडी में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका 3t है, तो सिंगल पावर है, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। आर स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। 7x की क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलीनोमियल आपका हो जाएगा। तो यही आपका एक्सरसाइज था, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इजिली घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। और जो है
अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो डले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।